Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. नमस्कार बे एरिया रेडियो जिंदगी 1170 एएम पर मैं हूँ विजया और लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार जी। जी हाँ, ये शो जो आप बेसब्री से आपको इंतजार रहता है और जहाँ वास्तु शास्त्र की विद्या आपके लिए सिंपल, सरल और बहुत ही आसान बनाकर लेके आती हैं रेवा कुमार जी, जो आप अपने रोजमर्रा के जिंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं और ऐसे कि अपने घर या दफ्तर में जो है पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति, अबंडेंस, ये सारी पॉजिटिव बातें ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रेवा कुमार जी से, और अगर आपको अपने घर या दफ्तर को लेकर कोई प्रश्न हो तो जरूर हमें कॉल करें। स्टूडियो का नंबर है 5106571170, वो नंबर 5106571170। और नमस्कार रेवा जी। जी हाँ, नमस्कार रविका जी, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत खुशी हुई फिर से आप आए हमारे हमारे आंगन में। आपका स्टूडियो है और बहुत ही अच्छा लगता है विजय जी आपसे भी मिलके। एज यूजुअल वैसे भी मुझे देखा जाए तो आई एम फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स वी आर विथ रेडियो जिंदगी, और 10 से 9 ईयर्स दे स्टार्टेड इन 2011। या सो फ्रॉम दैट डे आई रियली एंजॉय, तो हर बारी हर आरजे के साथ में, और जैसे देखा जाए तो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। वी रियली एंजॉय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू यू फॉर ऑल दैट यू डू फॉर द कम्युनिटी। इट्स रियली अ ग्रेट ग्रेट थिंग, ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल। तो रेवा जी, मुझे ना आपसे ये सवाल पूछना था कि इंसान का जो कोर रहता है, जो कोर सेंटर रहता है, वही सब कुछ यू नो डिटरमिन्स योर हेल्थ, योर वाइटैलिटी, एवरीथिंग। और फॉर अ पर्सन इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज द सेंटर। और जब बीमारी, कोई भी बीमारी होती है तो दे एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम कि वो ठीक नहीं है, इसलिए उसमें गड़बड़ी है। तो ऐसे ही घर को लेकर भी उसका एक सेंटर होता होगा, जैसे वास्तु शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मस्थान है। तो उसको लेकर कैसे हम उसे एक्टिवेट करें, उससे कनेक्ट करें, और उससे ऐसे कनेक्ट करें कि वो हमारे घर में वो जो वाइब्रेशंस और पॉजिटिविटी ला सकता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया विजय। इट्स ट्रू, कहते हैं कि आपने जैसे कहा कि कोर बिल्कुल सेंटर हर बॉडी का, हमारे का। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आप योगा करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, उसी तरह हमारे घर की, हमारे बिजनेस की, हर जगह की, जहां पे हम बैठते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, हमारी फैमिली है हमारे साथ में, उनकी भी एक अपनी योगा फिटनेस है। क्योंकि दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फाइव एलिमेंट्स। एक इंसान है, उसकी बॉडी है फाइव एलिमेंट्स से बनी हुई है, जिसको कहते हैं पांच तत्व, पांच भूतों का बना हुआ। हमारी जगह जो स्थान है वो भी पांच तत्वों से बना है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एंड दिस इज ए साइंस विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, नो बडी कैन डिनाई। अब आ जाता है हाउ टू बैलेंस, हाउ टू हील योर स्पेस। स्पेस सिंपल एक वर्ड नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि सेंटर, सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेंटर है आपकी बॉडी है, आपने आपकी बॉडी का जहां आपको कहते हैं कि कोर आपका नेवल है, वहां से ही एक जन्म है। जिंदगी इंसान की वहां से ही शुरू होती है, सब कुछ वहां से स्टार्ट होता है। और अगर आपका कहीं पे स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका डाइजेशन सिस्टम जैसे आपने कहा बिल्कुल खराब हो जाता है, आपकी बॉडी में तरह तरह के इश्यूज आ जाते हैं।
विजया जी, उसी तरह से हमारी हर जगह का भी एक सेंटर पॉइंट होता है। अब सेंटर पॉइंट कहाँ होता है सबसे पहले वो जानना जरूरी है। उसके लिए क्या है, सर सिंपल, आपका फ्लोर प्लान है, आपने एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। आप सर्कल ड्रॉ करके आपको मालूम है कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी लाइन्स है। जब आपके ऑलरेडी एट डायरेक्शंस ये बन जाती हैं, सेंटर जो ब्रह्मस्थान है वो नाइन्थ है आपका, और स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल वे से समझाना चाहती हूँ अपने सभी लिसनर्स को इसके लिए। माइंड, माइंड बॉडी सोल को लेके कैसे मैं इसको बनाना चाहती हूँ। माइंड है, आपने देखा अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमारे को एक बिंदु, एक कनेक्शन लेना ही पड़ता है, और उस मेडिटेशन को जब तक आपके आईब्रोज के पॉइंट का एक सेंटर बिंदु है उसके आज्ञा चक्र, जिसको हम बोलते हैं तीसरा नेत्र, आप आंखें बंद करेंगे, कोई भी रिलीजन का है, मेडिटेशन सबके लिए है, उसको कनेक्शन को लेना, कनेक्ट करना अपने आप को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यूर सिटिंग ऑन मेडिटेशन। तो जब आप अपने उस बिंदु की तरफ फोकस करेंगे तो आप अपने स्पिरिचुअली आप अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे, आपके माइंड को आप एक माइंड का जो कनेक्शन है उसको बना सकेंगे। वेरी नाइस। बॉडी है, बॉडी का हमारा सेंटर पॉइंट हमारा नेवल आ जाता है। अगर हमारा डाइजेशन हमारा स्टमक का ठीक होगा तो वहां से ही हमारे को पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी के लिए मिलेगी। थर्ड आ जाता है आपकी सोल से जुड़ा हुआ, एंड दैट इज रिलेटेड जो आपके घर के सेंटर से भी मिलता है। सो इट हैज टू बी देयर। अगर आपके ये माइंड बॉडी सोल, अगर इसका जो सेंटर है वहां से अगर आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पास में फोन है, जैसे भी मैं बात कर रही थी, महंगा से महंगा आपने फोन ले लिया, आपको फोन चलाना भी आता है, आप उसके गूगल भी चले जाएंगे, यूट्यूब से ढूंढ लेंगे हर चीज, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए कनेक्शन चाहिए। विदाउट कनेक्शन, विदाउट दैट यू कैन नॉट। आपके लिए आए हैं, आज मैं इस रेडियो स्टेशन में आई हूँ, मेरे को काम करना है, मुझे इंटरनेट के लिए, मुझे उसके लिए भी कनेक्शन चाहिए। सो टू गेट दैट कनेक्शन फर्स्ट यू हैव टू सी। और उसी तरह से हमारे घर का, हमारी हर जगह का एक कनेक्शन होता है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट हाउस। अगर घर का सेंटर पॉइंट हमारा कहीं पे भी डिप्रेस होगा, अब डिप्रेस किसको कहेंगे आप, सेंटर में घर के अंदर अगर किचन आ गई, अब किचन आ गई है तो आपके सेंटर को उसने डिप्रेस कर दिया। वास्तु पुरुष के अगर इमेज को देखेंगे तो सेंटर पॉइंट पे स्टमक के ऊपर में अगर हम कोई भारी चीज रखते तो कैसे हम जी सकते हैं। अगर आपके सेंटर में घर के स्टेयर्स आ जाती है तो आपका डिप्रेस हो जाएगा। स्टेयर्स के नीचे सेंटर में अगर बाथरूम आ जाता है, अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम। सेंटर में अगर कोई बेडरूम है और वो बेडरूम को आपने हैवी कर दिया है तो अगेन डिप्रेस, उसका डिप्रेस कर दिया आपने, तो आपका जब सेंटर होगा तो आपकी ग्रोथ स्टेग्नेट हो जाएगी। आपकी ग्रोथ स्टेग्नेट हो जाएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। आपको ये देखना है अच्छी तरह से, अगर कोई भी प्रॉपर्टी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और उसका सेंटर डिप्रेस है तो घर की फीमेल्स को स्टमक से जुड़ी, ब्लड से जुड़ी, यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। क्योंकि अगर उसके साथ में, मैं एक अभी रिसेंटली एक केस का स्पेशल डिस्कस करना भी चाहती थी कि हाउ दिस सेंटर ग्रोथ अगर हमारी डिप्रेस होगी तो कैसे हमारे को स्टेग्नेट कर देती है, फिजिकली भी, आपको मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरह से। मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर घर में सेंटर में स्टेयर्स है और नीचे बाथरूम है, वहां बहुत ज्यादा सीरियस से सीरियस हेल्थ इश्यूज भी पाए जाते हैं। पैसे की ग्रोथ खत्म हो जाती है, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं देन अगेन यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक स्टमक से जुड़ी हुई है तो घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई भी घर बना रहे हैं, देन ब्रह्मस्थान हैज टू बी ओपन एंड क्लियर। अब आपने नॉर्थ से लिया, हमने नॉर्थ है जो हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है, हमने लाइफ देता है, हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है, इट इज अ वॉटर एलिमेंट। अब जो वो एनर्जी ट्रेवल साउथ की तरफ कर रही है, अगर बीच में सेंटर में अगर हमारे पास में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी तो वो आपको डिप्रेस करेगी, क्योंकि साउथ वो है जिसने आपको जो नॉर्थ की एनर्जी आ रही है ट्रेवल करके, जब साउथ में आएगी तो वो हमारे को फेम नेम ग्रो करेगी। यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज हम नॉर्थ से ले रहे हैं वो साउथ में हम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके हम अपना फेम ले सके, नेम ले सके, ग्रो कर सके।
अब जब एनर्जी हमारी नॉर्थ ईस्ट से चल रही है तो साउथ वेस्ट इज ऑल्सो देयर. नॉर्थ ईस्ट जो आपको देता है क्लियरिटी, जो आपके माइंड को क्लियर करता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है. जब वो आपके पॉजिटिव थॉट्स देगा तो जब साउथ वेस्ट की तरफ वो एनर्जी ट्रेवल करेगी तो वो आपको स्किल, आपको ग्रोथ देगी, आपको बढ़ाएगी ज्यादा, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है. सेम ही आपकी अगर आप ईस्ट से एनर्जी आ रही है, साउथ ईस्ट से एनर्जी आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट. हमेशा मैं कहती हूँ दैट साउथ ईस्ट इज अ फायर एरिया. साउथ ईस्ट क्या फायर एरिया, अगर आप मिसिंग होगा कहीं से कट होगा तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर, क्योंकि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो एनर्जी है दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल्स ऑफ द हाउस. दैट्स व्हाई वी सेइंग कि वीनस है उसका प्लैनेट, फीमेल है. वीनस कौन है? फीमेल्स होती हैं. अगर वहां पे कोई कट ऑफ होगा या वो मिसिंग एरिया होगा तो घर की फीमेल्स को इश्यूज आएंगे ही आएंगे. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद फायर. फायर क्या है? आपकी भूख को बढ़ाती है. भूख किस चीज की? पैसा कमाना भी भूख है, काम करना भी भूख है, आप मेहनत करते हैं ये भी आपकी भूख है. जब तक आपके अंदर की डिजायर नहीं होगी आप वो काम नहीं कर सकते हैं. उस भूख का हमने काम फायदा लेना है तो वो जो एनर्जी ट्रेवल करेगी फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ट्रेवल करेगी. जी. अगर हमारा सेंटर डिप्रेस होगा तो हमारे को घर में बैठ जाएगी फीमेल, आप काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि यू आर सिक. और अगर वो हमारा क्लियर होगा तो जब हमारी साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ एनर्जी आती है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स अच्छे कर सकते हैं, हम उस पैसे का अच्छा भोग ले सकते हैं, हम उसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं. जी. सो वी हैव टू फोकस ऑन द सेंटर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. प्लस ब्रह्म स्थान है. ब्रह्म स्थान से ही आप, जैसे मैंने बोला कि आप सोल के अंदर से कभी भी आप कहते हैं ना कि भगवान का जवाब चाहिए. मैं बहुत कुछ दिनों से मुझे है, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर बिकॉज लर्निंग ऑलवेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस. और ये नहीं है कि आपकी एक उम्र होती है, इस एज में भी अगर आप पढ़ने हैं या आप किसी बच्चों से भी सीखते हैं तो आप सीख सकते हैं. ट्राई टू लर्निंग ऑल लाइफ लॉन्ग. यस. तो अवर सेंटर है आपका घर का. आप उस ब्रह्म स्थान को जब तक आप उसको क्लियर नहीं रखेंगे, वहां पर आप पूजा की जगह बना सकते हैं. अगर हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा करना स्थान नहीं है तो ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ हाउस इज बेस्ट. अगर आपका सेंटर घर का खाली है, आप उसको नीट एंड क्लीन रखिए, वहां पर अपना पूजा का स्थान बनाइए. और अगर आपके लगता है कि ऊपर स्पेस में ऊपर की तरफ हमारे पास सीलिंग नहीं है और वहां पर ही अगर हम एक पिरामिड की तरफ में सनलाइट के लिए बनाते हैं सीलिंग को तो वो हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ब्रह्म स्थान को इन्हांस करती है. ब्यूटिफुल, उसको पूरा इन्हांस करती है. जब आप देखिए कि मंदिर है, गुरुद्वारा है, हर जगह पे एक पिरामिड है, क्योंकि आप जब जाते हैं भगवान के पास जाते हैं, हम परेशान हैं, दुखी हैं, अगर आप पूजा करने गए हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वहां जाके आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा. हॉस्पिटल हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं जबकि ठीक होना है, लेकिन फिर भी एक डर है, दो लोग का साथ लेके जाते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, हॉस्पिटल जाना है. तो मेरा ये कहना चाहती हूँ कि जो एनर्जी हमारे को स्पेस से ब्रह्म स्थान के साथ में कनेक्ट करती है वही कनेक्शन है जो हमारे को पॉजिटिव कर सकता है. ब्यूटिफुली पुट, इतने सुंदर तरीके से आपने समझाया. और एक कॉल लेते हैं, देखते हैं ये क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार, आपका सवाल. Hello. I was. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. Yeah, I was just hearing this Brahmasthan sthan and all those things. So, how you guide Revaji for the people who are renting their houses, because we cannot control all those things, right? And generally on the renting apartments and all those things, generally the center place would be like a corridor or something like that. So, is there anything that you would like to suggest on this? Yes, it's very good question. Thank you for this call. Yes, it can be. I do understand that if you are standing, if you are staying in a rental apartment, either it is an apartment or home, again we have to focus on the center, because wherever we are staying, that is our place. Forget for the rent. That's true that you are paying the rent, that is not permanent residence. But still, we are staying in that house and that energy is always attached with us. So on that same property in the apartment where you are staying, you have to find it out where is the center of that house.
from north to south, east to west, then south east to northwest, and southwest to northeast. You can just draw it and find it out. If you feel any problem, draw a map and send it to me. I will let you know where is the center of the house. Now for the apartment, if we think that we have to rectify, or in apartment our center is depressed for any reason, very simple remedy I'm giving you. You have to write two remedies you have to do with us. First of all, because you are staying in rental apartment, you have to enhance your body energy along with that. For that, what we have to do, daily in morning after taking a shower, just put little bit turmeric in any glass bowl, turmeric haldi jisko bolte hai, in any glass bowl, put one drop of that on that turmeric, and just you have to put that turmeric on your navel to enhance your body. Now your body has to be enhanced, it has to balance in that property where you have to stay. For that, you can write number 5 on any white paper with yellow color, number 5, and just put it in the center. If there is any cupboard, any closet in the center, you can paste that number 5 over there. And if you think there is nothing or that is open, that is the best, then you don't have to do anything. If it is depressed with kitchen or any room or any closet area or any bathroom, just put 5 number with yellow paint or yellow color and paste that paper in that bathroom or the place, whatever you have in there. That will be really beneficial to you. Okay. Thank you so much, Shivaji. You're welcome. And to keep calls coming in, to talk to our Vastu expert, Rewa Kumar, give us a call in the studios, 510-657-1170 in the time that we have. And if you'd like to reach out to her offline, you can do that. Her website, worldofdivinevastu.com, worldofdivinevastu.com. You can also send her an email at divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com. Send her your structure and she can help you with that. And Rewa ji, lete hain agla call. And hello, you're on air with Rewa Kumar. You have a question. Hi. Our garage is in the northeast direction. And just behind the garage, I have my mandir. Mm-hmm. Is that okay? First of all, I want to know what you are parking. Are you parking car in garage? Yes. It's my advice to you that you shouldn't park, because northeast is ahead of Vastu Puja. Can we put and can we keep anything heavy on our head? No. So the same way over here. So it means you are just blocking your northeast energy. You have to give a more open space in northeast. Agar aapko northeast ka just like a particular corner, you have to make it very light and more space. It has to be more spacious. Okay. So any other thing, I mean, और कुछ कर सकते हैं उसके लिए? आप उसमें नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप गाड़ी को पूरा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ गाड़ी को पार्क करें, वो रहेगा. एंड नॉर्थ ईस्ट वॉल में वे यू आर हैविंग अ प्रेयर प्लेस, अगेन बिकॉज आई डोंट थिंक वे यू आर पुटिंग अ प्रेयर भगवान जी, वहां पर कोई विंडो है या कुछ है? आई डोंट थिंक सो. इज देयर एनी विंडो? No, there is a window. It's in the kitchen, northeast. उसके बाद किचन में ही भगवान है. So it means that your kitchen is in northeast or east? A window is in the east. But the kitchen is in east? Yes. The kitchen is in east. तो अगर वहीं पे आपके विंडो है, then it is fine, no problem, that's good. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पे भी आप ब्लॉक नहीं होने दीजिए, इफ यू थिंक कि जहां आपने भगवान रखे हैं, इफ यू कैन मेक मोर ओपन स्पेस, दैट इज फाइन. अदरवाइज जस्ट बिहाइंड दैट, जहां पर आपने भगवान का जगह रखा है, पर्टिकुलर दैट एरिया, इफ यू कैन गेट इट पेंट कलर, अगर आप उसको कर सकते हैं वॉयलेट कलर में, तो बहुत अच्छा रहेगा. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दैट कॉल. एंड अगेन, अगर इफ यू'd लाइक टू रीच रेवा जी ऑफलाइन, उनका नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338, और worldofdivinevastu.com. वेरी सिंपल, worldofdivinevastu.com. शी इज ऑफ कोर्स एन एमिनेंट प्रैक्टिशनर इन द साइंस ऑफ वास्तु, आर एंशियंट ट्रेडिशन, विच रियली हेल्प्स टू हील स्पेसेस थ्रू द पावर ऑफ यू नो डायरेक्शनल एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स
elements that we have, the cosmic energies, science of construction and architecture. So you can really tap into her if you're seeking to enhance your health and vitality, your relationships with people, your harmonious and tranquil atmosphere in your home or workplace, or you're looking for financial prosperity as well. We've spoken about this, Revaji, before, ke log itna kaam karte, but they're not able to retain that income or, you know, that that prosperity. So wo kaise vastu mein uska hal aap dhoond sakte hain, and Revaji is the expert in that. So just log on to worldofdivinevastu.com for all her information. And Revaji, aap bata rahe the ye Brahmasthan ke liye. Brahmasthan ke liye. Ab isi Brahmasthan ke liye agar hamare ko kai baar mil jata hai ki bilkul isi hamara depressed hai aur hum isko tod phod to kiya nahi ja sakta. Hamari galti hai, kisi bhi country mein it's not possible. Yes. Aaj ke samay mein nahi hai. Secondly, this is a science. कि जिसको यही वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु का स्पेशलिस्टी है कि हम कहीं पे भी रेनोवेशन या डिमोलिशन नहीं कर सकते बिना किए उसको कैसे हम उस प्रॉपर्टी को एनर्जाइज कर सकते हैं कैसे हम फायदा ले सकते हैं इसी के लिए आता है कि जब हमारा सेंटर अगर डिप्रेस हो तो हमने उसको डेप्थ देनी है खासतौर पर अगर सेंटर में कहीं बाथरूम आ जाता है तो पहले तो हम उसकी एनर्जी को प्रॉपर कट ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइन टूल्स जिसको लगा के उसकी एनर्जी को कट ऑफ करेंगे अलॉन्ग विद दैट द सेंटर जहां होगा वहीं पे ही हम लोग अंदर सीलिंग के ऊपर में राउंड मिरर लगाते हैं ताकि वहां पे उसको डेप्थ मिल सके सीलिंग पे लगाइए अंदर बाथरूम का जो सीलिंग है अगर बाथरूम है क्योंकि आपको पर्टिकुलर उस एरिया को डेप्थ देना है क्योंकि वो डिप्रेस हो गया है बाथरूम की वजह से सेम वे सेंटर के साथ साथ में हम लोग उसके कलर्स को भी ध्यान देते हैं कभी भी अगर आप सोचें लिसनर्स कि आपका सेंटर डिप्रेस है या वहां पे कुछ है तो डोंट गिव एनी रेड और ब्लैक कलर अगर आप रेड और ब्लैक कलर देंगे तो वो भी आपकी एनर्जी को प्रॉपर एनहेंस नहीं होने देगा और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे जैसे मैंने बताया था कि अभी नॉर्थ में हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है अब साउथ में हमारे को उसको फेम एंड नेम चाहिए इफ यू थिंक कि आपका सेंटर पॉइंट डिप्रेस है और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सक रहे जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मेरे पास काम है बट स्टिल आई एम नॉट सक्सेस कहने को मेरे पास जॉब है कहने को मेरे पास में पैसा आ रहा है बट स्टिल क्वेश्चन मार्क इज देयर या कहीं वो हमारा पैसा खराब हो रहा है या नेगेटिविटी में जा रहा है क्योंकि उसका सेंटर डिप्रेस सो व्हाट वी हैव टू डू Then we have to focus on number 9 and number 9 is related with Mars के साथ में South के साथ में तो आपको क्या करना है आप रेड कलर के पेन के साथ में पेंट के साथ में एक पेपर पे नंबर 9 लीजिए और आपका जो भी सेंटर से काउंट करके जो साउथ मिलता है वहां पर आप उसको हिडन भी लगा सकते हैं ताकि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी जो डिप्रेस हो रही हैं सेंटर की वजह से उसको हम साउथ से प्रॉपर उसको इन्हांस करें लिसनर्स मैं आपको कोशिश यही होती है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वेज के साथ में समझा सकूं लेकिन ये भी देखिए कि हर 10 डिग्री के बाद में हमारी डायरेक्शंस में चेंजेस आते ही आते हैं सो यू हैव टू सी अगर आप कहीं पे भी देखें तो पहले ये भी देखिए कि क्या हम उसकी डायरेक्शंस ठीक अपनी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं क्योंकि कई बार आप फोन उठा के आप स्मार्टफोन डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग फोन हाथ में उठा के डायरेक्शंस देखते हैं तो क्या होता है कि अगर हमें रिंग्स पहनी है कुछ पहनी है तो उससे हिल जाता है और हम लोग सही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो मेरे को जब भी आप हमें कॉल करें तो आपके पास में आपका डिग्री होना बहुत जरूरी है डिग्री से विजय हम सही कैलकुलेशन लगाते हैं और सही एडवाइस भी आपको दे सकते हैं अच्छा तो आज के इसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी है सेंटर ट्राई टू फोकस ऑन आप थोड़ा ये टर्मिक वाला जैसे कि मैंने अभी हमारे कॉलर ने कॉल किया बताया इवन कि अगर चाहें तो बाकी लिसनर्स भी इससे फॉलोअप कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है इसका अगर हम दें कि आप सोचें कि आपके पास पैसे की कमी हो रही है पैसा नहीं आ रहा या पैसा टिक नहीं रहा है प्लस हमारा सेंटर स्टेग्नेट हो रहा है हमारी ग्रोथ स्टेग्नेट हो गई है तो आज की जो मैं बोनस टिप देना चाहूंगी सभी लिसनर्स के लिए that whenever you go for grocery and you want to buy a salt always buy a pair of salt pair of salt boxes kyunki jo salt hai it is related with the opportunity jo aapko kehte hai na ki north ki taraf se hamare ko koi negativity mil rahi hai north hamara block aa raha hai aap wo salt ki bottle denge uske saath
साथ में दो सॉल्ट की बॉटल लेंगे और उसके साथ में आप एक शुगर बैग चाहे छोटा सा लीजिए, एक शुगर बैग का जरूर लीजिए। अब आपको क्या करनी है, जो दो आपकी सॉल्ट बॉटल है वो आपका जहां पे भी आप अपने घर में ग्रोसरी रखते हैं, कोई भी पेंट्री का रखते होंगे तो उसका भी कॉर्नर होता ही है, तो सॉल्ट हैज टू बी इन नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स इसलिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी को हम ले सकें। सॉल्ट आपने कभी देखा कि बहुत जल्दी पानी हो जाता है, वो आपकी नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी में अवेल करने को आपको रास्ते खुले मिलेंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अब आपको उस पैसे को अपने घर में स्टेबल भी करना है, उस पैसे का आपका पूरा फायदा लेना है ताकि वो आपको अच्छे सही तरीके से यूज कर। कई बार कहा गया है किसी जमाने में कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, मतलब कि आपका यार पैसा कोई गलत आता है वो आपके लिए सब कुछ लेके डूब जाता है। हम कहते नहीं कि कैसा गलत पैसा कमाया कि हमारा सब ले डूबा। कई बार होता है कि आप एक थोड़ा सा अच्छी नीयत का भी वैसा हो आपको बरकत में पड़ती है, आपको कहां से कहां आपको फायदा होता है। तो आपको क्या करना है, जो दो सॉल्ट बॉक्स लाएंगे वो आपका जहां से भी आप अपनी ग्रोसरी रखते हैं उसको आप नॉर्थ में रखिए, और जो एक शुगर का लेकर आएंगे लेट इट बी इन द ईस्ट सेक्शन। ओके, पर दोनों को साथ में मत रखिएगा, शुगर को और सॉल्ट को दोनों को इकट्ठा बिल्कुल नहीं रखिए। बहुत बार सब कहते हैं कि मैं शुगर और सॉल्ट से जुड़ी रेमेडीज बहुत देती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरे को उस नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व करना है, नेगेटिविटी को खत्म भी करना है, और शुगर है उसको पॉजिटिव भी करना है। तो जब आपकी अपॉर्चुनिटीज क्लियर हो जाएंगी, आपकी नेगेटिविटी को नॉर्थ से दूर की अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो ईस्ट है जो आपको उसको फेम को नेम को आपको फायदा देगा। अच्छा, तो आप वहां पे शुगर रखिए ताकि आपकी मिठास रहे, आपके बीच में आपको उसका फायदा। तो ये है हमारी आज की बोनस टिप, मुझे लगता है कि आप इसको फॉलोअप करेंगे। आपका कोई भी हो आप हमें फीडबैक देना जरूर दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई कि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा और भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। जी एब्सोल्युटली, और अगर आप यू वांट मोर ऑफ वेयर दिस इज कम फ्रॉम, सी हैज सो मच गाइडेंस एंड सो मच नॉलेज टू रियली बिस्टो ऑन यू, सो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन Vastu.com is where you want to go, worldofdivinevastu.com, or just call her at 510-868-3338, 510-868-3338, or Rewa ji, wo aapko ye bhi bhej sakte hai, right? Email at divineabc@gmail.com. थैंक यू रेवा जी, बहुत ही सुंदर टिप्स आपने दिए, और इतना सरल तरीके से जैसे आप बोलते हैं ये ब्रह्मस्थान के बारे में आपने बोला। एंड अगेन फोक्स, इफ यू वांट टू चेक आउट, ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, डू इट विद वास्तु एंड डू इट विद रेवा कुमार एट 510-833-38। और रेवा जी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, बट अ क्विक यू नो गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक इफ यू कुड। जी हाँ, मैं नेक्स्ट वीक के लिए भी और भी दूंगी, अच्छी अच्छी टिप्स दूंगी, एंड टिप्स जो भी रिलेटेड होंगी जो नेक्स्ट मैं लेना चाहती हूँ, स्पेशल मैं बच्चों के लिए जरूर टॉपिक लेना चाहती हूँ। तो कोई भी सवाल होगा आपका बच्चों से जुड़े, उनकी स्टडीज के बारे में उनसे जुड़े कोई भी सवाल, तो आप हमें उसके लिए भी कॉल कर, जी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और हमें भेज सकते हैं आपके सवाल 510-657-657 और अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत रेवा जी। थैंक यू विजय जी, यू आर लिसनिंग टू रेडियो जिंदगी 1170 AM, आई एम विजया, थैंक यू फॉर लिसनिंग, नमस्कार। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.